नमस्कार, मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज में वीकली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज में 13 दिसंबर 2021 से लेकर 18 दिसंबर 2021 तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जितने भी वीकली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको कवर कराता हूँ। आपको बता दूँ कि पिछले जितने भी लास्ट 6 वीडियोज आए हैं वीक भर में, उनमें मैंने आपको थ्योरी सेक्शन कवर करवाया है, जिसमें मैंने इवेंट के आपको बैकग्राउंड और इवेंट से जितने भी रिलेटेड चीज़ें बन सकती हैं प्रश्न के तौर पर वो मैंने आपको बताया हुआ होता है। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिए, उसमें सब मैंने डीप एक्सप्लेनेशन किया हुआ डिटेल से। और बाकी इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपका रिवीजन हो सके। और सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं वीडियो के दौरान में ही आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलिएगा अभी वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डेली इवेंट्स के ऊपर भी हमारे वीडियो आ रहे कंटिन्यूअसली, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जो हमारी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे सीधे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो यहाँ से भी आप इजीली चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसे मिला है? हरनाज कौर सिंधु, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता या प्रियंका चोपड़ा? तो आपका सही उत्तर होगा हरनाज कौर सिंधु। अभी हरनाज कौर सिंधु कौन हैं, कहाँ से हैं, ये इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आर्टिकल में आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि एक भारतीय महिला हैं, 21 साल की हैं और इनका जन्म जो है वो 2000 में हुआ था और ये प्रेजेंट टाइम में पंजाब की रहने वाली हैं। और ये जो मिस यूनिवर्स का अवार्ड हुआ है, ये 17वां मिस यूनिवर्स का अवार्ड इस बार दिया गया है। और मिस यूनिवर्स 2021 जो प्रतियोगिता है ये कहाँ की गई है, तो इजराइल में ये प्रतियोगिता की गई है। ठीक है, और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस यूनिवर्स 2021 का जो अवार्ड है जो जीता है हमारे हरनाज कौर सिंधु ने, तो ये 21 साल बाद ये अवार्ड जीता है, मतलब कि 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारा रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है कि 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता है, 2000 में लारा दत्ता ने जीता है ये अवार्ड, और 2021 में अभी हरनाज कौर सिंधु ने जीता है, मतलब कि 21 साल बाद ये अवार्ड भारत के पास फिर से आया, भारत की बेटी के पास ये आया हुआ है। ठीक है, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं डिटेल में हर एक इवेंट का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके, जो भी आपने वीकली भर में पढ़ा है आप उसे प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। और बाकी अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, वहां पर सारी चीजें मैंने नोट्स के वाइज आपको पॉइंट वाइज आपको लिखी हुई है, आप वहां से भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जितनी भी प्रीवियस मेरी वीडियोज हैं वो सभी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपकी प्रिपरेशन एक सुचारू रूप से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा अभी अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, 12 दिसंबर 2021 को भारत में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? संत, अग्नि, पवन, विक्रांत? तो उत्तर आपका हो जाएगा संत मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संत मिसाइल के बारे में जो भी है इम्पोर्टेंट वो मैंने बताया कि डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया हुआ है। और ये जो मिसाइल है ये आरसीआई के साथ में इन्होंने समझौता किया था, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है मिसाइल वगैरह बनाने के काम करती, तो इनके साथ में डीआरडीओ और ये प्राइवेट कंपनी का साझा हुआ था, और जिसके तहत ये संत मिसाइल बनाई गई है और इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तकनीक किस लेस है और मारक क्षमता कितनी, 10 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने एशियाई देशों के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 5, 6, 9, 19? तो उत्तर हो जाएगा आपका 5 देशों को। जो भारत में जो 26 जनवरी आने वाला है 2022 में, तो उसमें कितने देशों को मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने निमंत्रण भेजा हुआ है? तो ये 5 देशों को भारत ने निमंत्रण भेजा हुआ है। हालांकि वहाँ के जितने भी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है तो उन देशों के अभी कन्फर्मेशन आना बाकी है कि हाँ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन निमंत्रण ये दिया गया है, जो कि ये हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 देशों को एक साथ बुलाया जा रहा है। वे 5 देश कौन कौन से हैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि कजाकिस्तान, कारगिलिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ठीक है,
उज्बेकिस्तान जो है, ये सभी हमारे देश हैं। और भी बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, भारत में वर्तमान में कितने राम समर कन्वेंशंस हैं, ठीक है, 10, 56, 47, 25। तो उत्तर हो जाएगा आपका 47। अब ये राम सर कन्वेंशन क्या होते हैं, आप इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर से समझ सकते हैं चीज़ों को कि ये किस तरीके होते हैं। तो राम सर कन्वेंशन क्या होते हैं कि ये एक आर्द्र भूमि होती है, ठीक है, जहाँ पे पानी थोड़ा होता है और थोड़ी दलदल भूमि होती है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं और वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना है ये उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है, और क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर। उत्तर हो जाएगा आपका 14 दिसंबर, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा जो है वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रूपांतरण में जो खर्चा आता है वो कम से कम हो, क्योंकि ऊर्जा का जब संरक्षण होगा, ऊर्जा को हम लोग बचाएंगे तो रूपांतरण कम करना पड़ेगा, तो रूपांतरण में कम खर्चा हो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, इसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्यूरो क्या है, ब्यूरो जो है इसके रिलेटेड एक कमेटी है जो कि इस पे काम करती है, कि सरकार को बताती है कि किस तरीके से हम लोग और ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी बन सकता है कि ब्यूरो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, प्राइवेट कंपनी है या फिर सरकारी कंपनी है। तो उत्तर हो जाएगा एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इस ब्यूरो का जो वर्णन है ये हमारे संविधान में किया गया है, तो इसलिए एक संवैधानिक निकाय बन जाता है साथ ही में। और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी डिटेल्स आपके साथ में शेयर की हुई हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि चार धाम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये चार धाम परियोजना क्या है इसके बारे में डिटेल्स मैंने बताया हुआ है, हालांकि पॉइंट्स में अगर मैं बताऊँ तो ये एक योजना है जिसके तहत जो LAC पे हमारे भारत और चीन के साथ में विवाद हो रहा है, तो उसको देखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी हमारे उत्तराखंड के चारों धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सभी को एक 10 मीटर चौड़ी हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर किसी भी विशेष जगह में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो आपको वहाँ की जितनी भी जनता होगी तो उसे आसानी सुगमता के साथ में दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सके। और यदि हमारे देश के सैनिकों को या थल सेना को कभी भी आकस्मिक चीन के बॉर्डर पर जाना पड़ जाए तो वो उस मार्ग से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं चार धाम परियोजना क्या है वगैरह, मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। अभी यहाँ पर आज का टुडे व्यूस्टर पॉइंट देख लेते हैं, टुडे व्यूस्टर पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। न पूछो कि मेरी मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई बिगनर है, अभी उसने SSC RRB या फिर IBPS वगैरह के एग्जाम देना शुरू किया, तो अभी आपको ये निश्चय कर लेना कि मुझे हारना नहीं, मुझे किसी भी कीमत में जॉब लेके रखनी। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि रस्सी के एक वार से पत्थर नहीं कट जाता। आपने कहावत ये भी सुनी होगी, कुएं में जो पत्थर होता है वो एक ही बार से नहीं कट जाता, रस्सी के बार बार प्रहार से वो कटता है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने जो लक्ष्य है उसके लिए कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी, रेगुलरिटी बना के रखनी होगी, ठीक है, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिएगा, अभी ये जो बूस्टर पॉइंट है आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। अभी अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, एलन मस्क, वाइडेन और कमला हैरिस और मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा एलन मस्क। तो एलन मस्क कौन है, ये टेस्ला कंपनी और आपको पता होगा कि SpaceX कंपनी के फाउंडर हैं और CEO भी हैं। बाकी आप यहाँ पर डिटेल सभी चीज़ों की देख सकते हैं, ठीक है। एलन मस्क के बारे में भी मैंने पर्सनली कुछ बताया हुआ है, इनको जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव व्यक्ति हो सकते हैं। इन्होंने 10 साल की उम्र में ही कोडिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में इन्होंने एक गेम ब्लास्टर नाम का गेम को भी बना दिया था, ठीक है, तो जिसे $500 अमेरिकी में खरीदा भी गया था। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने इतना सब अचीवमेंट कर ली, आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं, इनके जो डेली लाइफ है उनसे भी मोटिवेट हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसे
आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, वही बॉक्स के अनुसार रोजगार के में अवसर दिलाने में कौन सा राज्य फर्स्ट रैंक पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये राज्य अवसर रोजगार जो राज्य आप कह सकते हैं कि जो स्टेट लेवल की वैकेंसीज होती हैं या फिर आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट वैकेंसीज में कौन सबसे आगे, तो महाराष्ट्र सबसे आगे। वहीं देखा जाए तो सब दूसरे नंबर पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और बाकी अगला प्रश्न क्या है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ फिर आपको इसका प्रश्न बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च ये एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जो कि क्या क्या रहेगा कि व्यक्तियों को, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कार सीखनी या व्हीकल के बारे में वगैरह सीखना है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर के बारे में सीखना है कि ये कैसे चलाते हैं, तो इनके लिए इंस्टीट्यूट का स्थापना की गई है। यहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रश्न बन जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला। तो उत्तर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ पे आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगम मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएँ होती हैं? 22, 11, 55, 66। तो उत्तर हो जाएगा आपका 22 भाषाएँ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक संगम मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिसमें जो है सभी भाषाओं का कलेक्शन किया गया। हमारे जो अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का कलेक्शन किया गया ताकि एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरी राज्य की परंपरा, संस्कृति व भाषा को सीखने में कोई भी उससे कष्ट ना हो। ठीक है, तो आपस में एक आप समझ सकते हैं कि मिलान बनाने के लिए ये भी निर्णय लिया गया ताकि किसी को दूसरी की परंपरा या दूसरे की भाषा सीखने में दिक्कतें ना हो। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में क्या किया गया है कि जो सबसे लंबा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। 18 तारीख को किया गया है, हालांकि ये 18 दिसंबर 2021 को। तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, इसका नाम क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को और 519 गांवों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा, 12, 13, 14, 15। तो उत्तर हो जाएगा 12 आपको जिलों को कवर किया जाने वाला है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये सभी चीज़ों जो हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी, तो ये सभी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं अपनी वेबसाइट का। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको हमारी वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और सीधे आप यहाँ पे से हमारी चीज़ें को पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा लास्ट तक की वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेस वे के बारे में आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, कंटेंट लाने में और चीज़ें जो होती हैं इन्हें आपको स्टेबल रूप से आप तक ही पहुंचाने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, दो आपके दोस्त और आप भी लाभ इससे लेने की प्रयास कीजिए। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक और ग्रुप और सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि CDS विपिन रावत की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि भारत के प्रथम CDS विपिन रावत की मृत्यु हो चुकी है चॉपर के उससे, या मैंने भी आपको ये सब इवेंट कवर करवाए हैं। तो किस तरीके से, तो यहाँ से एक मेन इवेंट बन सकता है कि CDS विपिन रावत की मृत्यु कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे 15 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 या फिर 9 दिसंबर 2021। तो उत्तर हो जाएगा आपका 8 दिसंबर 2021 को CDS विपिन रावत की मृत्यु हुई थी। ये भारत के पहले CDS थे और हाल ही में जो नए CDS बनाए जा रहे हैं वो NMM नरवणे को बनाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि अभी तो वो COSC के सदस्य के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, परंतु अगर भविष्य की बात की जाए तो उन्हें ही CDS बनाने की बात की जा रही है। वो क्या है मामला, आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। हालांकि मैंने जो भी डेली इवेंट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ मैंने उसमें आपको डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये बातें चल रही हैं और किस तरीके क्या होता है COSC संगठन, क्या होते हैं इनके अध्यक्ष, किस तरीके से CDS बनने की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको डेली भी
बेसिस पे जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ उनमें मैंने आपको समझाया हुआ है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल में आकर के। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे इससे संबंधित हो जाता है कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अब तक कुल कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो अब ऑप्शन हो जाएगा आपका 12, 19, 14, 13। तो उत्तर हो जाएगा आपका 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जब ये दुर्घटना हुई थी तब विपिन रावत सहित उनकी वाइफ सहित कुल 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें एक जो सर्वाइवर था वो वरुण सिंह थे। ठीक है, तो वरुण सिंह जो थे जनरल हेलीकॉप्टर के वो थे, तो वो सर्वाइव कर गए थे हालांकि, लेकिन घायल अवस्था में पाए गए थे। लेकिन 15 दिसंबर 2021 को उनका भी निधन हो चुका है। तो उनको मिलाते हुए कुल 14 लोगों की उस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, जो कि अत्यधिक दुखद बात है। और बाकी आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन थे वरुण सिंह और किस तरीके से ये दुर्घटना हुई, कहाँ पे इनको एडमिट किया गया था, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको साथ में शेयर की हुई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामानुज पुरस्कार पाने वाली चौथी भारतीय और विश्व की तीसरी महिला कौन बन गई है। नितिन, नीना गुप्ता, लता गुप्ता, श्रुति मेहता या आर्यन स्वामी। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीना गुप्ता। ये एक जो है ये भारतीय प्रोफेशन नीना गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है, और ये जो है ये कोलकाता के सांख्यिकी संस्था में से गणितज्ञ हैं। ठीक है, और भी बाकी इनके बारे में आप चीज़ें समझ सकते हैं, रामानुज पुरस्कार क्या होता है, बाकी आप यहाँ पे इस चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल की सर्च रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा बार सर्च किए जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा नीरज चोपड़ा, एलन मस्क, नरेंद्र मोदी या प्रियंका चोपड़ा। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने का अवार्ड मिला है, हालांकि इन्हें नाम से या फिर इतिहास के पन्नों में इन्हें दर्ज किया जा चुका है। ठीक है, और बाकी नीरज चोपड़ा के बारे में देख सकते हैं और ये क्या है आप यहाँ पर भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने कौन सवा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन हो जाएगा 56, 59, 114, 12। तो उत्तर हो जाएगा आपका 56वां स्थान। ठीक है, तो ये भारत वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो होती है ये क्या होता है कि भारत के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनकी टैलेंट क्या है उनके अनुसार इन्हें व्यवस्थित किया जाता है, जो कि गूगल के द्वारा ये जो है रिपोर्ट वगैरह दी जाती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका डेटा होता है उसके तहत इसे देखा जाता है। और पांच जो हैं वो शीर्ष पर हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा, स्वीडन, और यहाँ पे आप बाकी सब देख सकते हैं। ठीक है, पांच जो हैं वो शीर्ष पर हैं और उनके आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। हालांकि टॉप का आपको याद रखना है और सेकेंड एंड थर्ड का आप याद रख सकते हैं, और साथ में आप भारत के स्थान को भी याद रख सकते हैं कि 56वां भारत का स्थान रहा है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है। 16 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो उत्तर हो जाएगा आपका 16 दिसंबर। विजय दिवस का जो बैकग्राउंड है ये है, छोटा सा एक बैकग्राउंड आप ये समझ सकते हैं कि सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, जो कि 3 दिसंबर 1971 में ये युद्ध चालू होता है। और इस युद्ध के दौरान में ही 16 दिसंबर 1971 में भारत की सेना पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को धूल चटा देती है, और इसी के उपलक्ष्य में भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि इसके पीछे की और भी घटनाएं हैं मुख्य इम्पोर्टेंट, किस तरीके से भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को, मतलब या जो बंगाल को हम जानते हैं, बंगाल बांग्लादेश को, ठीक है, तो वो उसे किस तरीके से आज़ाद कराया था, तो इसका क्रम भी आप देख सकते हैं। हाल ही में जो मैत्री दिवस एक मनाया गया है 6 दिसंबर 2021 को, तो वो किस तरीके से इवेंट को मनाया गया है, तो वो सभी मैंने आपको यहाँ पर रिलेट करते हुए चीज़ों को समझाया हुआ है। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझते हैं, इसे समझ करके पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपको कई चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नया अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है। तो ऑप्शन होगा जनरल MM नरवणे, जनरल BK सिंह, जनरल RK नावे और जनरल MM नरवणे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका जनरल MM नरवणे को जो है नया COSC का अध्यक्ष चुना गया है। अभी इनको COSC का अध्यक्ष चुना गया है, और साथ ही में कुछ दिनों बाद भी इनका प्रमोशन करके CDS के पद पे भी इन्हें किए जाने की बात चल रही है। ठीक है, बाकी आप इवेंट का बैकग्राउंड यहाँ पे से समझ सकते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को ने किस राज्य की दुर्गा पूजा को दिया संस्कृति विरासत का दर्जा? ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। हालांकि यहाँ पे कोलकाता जो है वो नगर है, यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्य में कोलकाता नगर को ये सम्मान मिला हुआ है यूनेस्को के माध्यम से। ठीक है, यूनेस्को क्या है, किस तरीके से काम कर सकती है, यहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इस पे जब यूनेस्को ने ये अवार्ड दिया या फिर ये इसे इतिहास के पन्नों में लिखा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ममता बनर्जी का क्या कहना था इस पे, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय की सराहना करते हुए क्या कहा है और खुशियाँ प्रकट करते हुए इसे बात को स्वीकारा है। और वहीं ममता बनर्जी ने भी इसे माँ तो दुर्गा पूजा का नाम ना देते हुए इन्होंने जितने भी बंगाली हैं विश्व भर में फैले हुए हैं उन सभी का एक संगठन बताया है कि इस दुर्गा पूजा से विश्व के जितने भी बंगाली हैं उनमें एकता की भावना आती है। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बताया है। वीकली इवेंट्स में मैंने ट्विटर के फोटोज़ भी आपको दिखाए हुए हैं, आप वहाँ से भी इसे चीज़ों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर आए? ऑप्शन हो जाएगा 66 पे, 65 पे, 66। तो आपका उत्तर हो जाएगा 66वें स्थान पर रहा है। ठीक, यहाँ पे आप चीज़ों को और भी इजीली देख सकते हैं। टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और कनाडा और थाईलैंड यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ में रही हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस देश ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे हांगकांग, अमेरिका, भारत, चाइना। तो उत्तर हो जाएगा आपका हांगकांग देश ने ये पॉलिसी अपनाई है। हांगकांग क्या है कि चाइना के, आप देखेंगे जब चाइना का आप मैप देखेंगे तो चाइना के पूर्वी उसमें जापान के पास में ही हांगकांग एक जो है देश है, तो उसने ये अपनाया है। जिसके अनुसार उसने क्या कहा है कि अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है या फिर अमेरिका से व्यक्ति आता है तो उसको सुनिश्चित करना होगा कि वो उसके पास जो है फुल 100% टीकाकरण है या नहीं है, पूरी तरीके से वो टीकाकरण है या नहीं है, तभी तो उसे प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा और भी इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को वो मजबूत किया हुआ है। बाकी आप यहाँ पर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और बाकी अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन हो जाएगा 7, 10, 9, 2। उत्तर हो जाएगा आपका 6 पदक इसने जीते हुए हैं। ठीक है, उन 6 पदक में क्या है कि 4 जो हैं वो हमारे रजत पदक हैं और 2 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ठीक, अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन हो जाएगा आर के सिंह, पूरण मेहता, मृदुला रमेश, अनामिका गुप्ता। तो आपका उत्तर हो जाएगा मृदुला रमेश ने यह पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, और बाकी देख सकते हैं मृदुला रमेश कौन है, यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, किस राज्य सरकार ने उच्च जाति के लिए नया आयोग बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। उत्तर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बन चुका है जिसने उच्च जाति के लिए नया आयोग बनाने की बात की है। इससे पहले मध्य प्रदेश ने भी इसके ऊपर बात की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जाति के लिए नया आयोग बनाने की स्थापना की गई है, स्थापना के लिए बात कही है, और बाकी 3 महीने में इसके जो है इसे विधायक अधिनियम के माध्यम से औपचारिक बनाने की भी बात की जा रही है। उतने यहाँ पे मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जो कि ग्रीष्मकालीन, धर्मशाला क्या है शीतकालीन यहाँ की राजधानी है। ठीक है, राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर जो हैं जो कि भाजपा से हैं। ठीक, और बाकी आप यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि भूटान ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से के लिए चुना है? ऑप्शन हो जाएगा भारत, चाइना, USA, कनाडा। तो उत्तर हो जाएगा आपके भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान के लिए भूटान ने चुना हुआ है। ऐसा इसने इसलिए किया है क्योंकि इसका कहना है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं इन्होंने बिना किसी शर्त के हमारे साथ मित्रता निभाई है, कोई भी अभिलाषाएं नहीं रही, और साथ ही में कोविड के विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया है। तो इसके तर्ज पर इन्हें
भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया जा रहा है इस बार। और भी प्रधानमंत्री को कई सारे सम्मान मिल चुके हैं, आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं कि पीएम मोदी को इन अवार्डों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सऊदी अरब ने 2016 को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, अफगानिस्तान ने 2016 को किया था, पाकिस्तान ने 2018 को, दक्षिणी कोरिया ने 2018 को, रूस ने 2019 को, यूएई ने 2019 को और मालदीव ने 2019 को अपने देश के राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करने पर भी पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं कि क्या है उस वहाँ के जो सम्मान है, सम्मान का नाम क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा। ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, झारखंड। उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ये आधारभूत साक्षरता सूचकांक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूँ। ये जो आधारभूत साक्षरता सूचकांक है ये सुनिश्चित करता है कि किस राज्य में 10 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें दो राज्यों में पहले तो डिफाइन करते हैं, एक छोटे राज्य जिनका आकार छोटा है और एक ऐसे राज्य जिनका आकार काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर बात की जाए तो इसमें बड़े आकार के राज्यों में सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल का रहा है और साथ ही में उसके बाद जो सबसे आखिरी में है वो बिहार का प्रदर्शन रहा है। और बात की जाए छोटे राज्यों के अनुसार आधारभूत साक्षरता सूचकांक में तो सबसे ऊपर केरल का प्रदर्शन रहा है और सबसे अंतिम में यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अंतिम में आप पहले सबसे ऊपर आपका केरल का रहा और साथ ही में सबसे अंतिम में आपका झारखंड का यहाँ पे रहा है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के प्रकार के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे समाहित किया हुआ है कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक के अनुसार सबसे बड़े राज्य की श्रेणी में सबसे नीचे से प्रदर्शन किसका रहा है, तो सबसे नीचे से प्रदर्शन यहाँ पे बिहार का रहा है, ठीक है। बड़े राज्यों की श्रेणी आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना कि बड़े राज्यों की श्रेणी है। और यहीं पर आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे से प्रदर्शन किसका रहा है, तो वहीं झारखंड का रहा है। और सब आधारभूत साक्षरता सूचकांक के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन या सबसे ऊपर प्रदर्शन किसका रहा है, तो केरला का ये प्रदर्शन रहा है। बाकी आधारभूत साक्षरता सूचकांक क्या होता है आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 10 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनकी साक्षरता दर को ये बताता है, कैसे श्रेणियाँ डिफाइन होती हैं यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 2031 तक की बढ़ाकर कितने मेगावाट बनाने की योजना बनाई जा रही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 22,480 मेगावाट, 22,365 मेगावाट, 24,559 मेगावाट, 45,697 मेगावाट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22,480 मेगावाट बनाने की ये बात की जा रही है। वर्तमान में इसकी जो क्षमता है वो 6,700 कुछ समथिंग है, 6,780 मेगावाट है। और यहाँ पे केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पिछले 7 सालों में ये जो क्षमता है इसे 2,780 मेगावाट बढ़ाया गया है, ठीक है। तो माफी चाहूंगा, 2,000 मेगावाट इसे बढ़ाया गया है। यहाँ पे 7 साल पहले इसकी पावर क्षमता क्या थी, 4,780 मेगावाट थी, और वहीं अभी 7 साल बाद इसे 6,780 मेगावाट किया गया है। और 2031 तक की इसकी जो क्षमता है वो 22,000, यहाँ पे समझ सकते हैं कि 22,480 मेगावाट किए जाने की बात की जा रही है। तो चलिएगा अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में ये परियोजना लाई जा रही है कि 10 साल से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको अभी हटाने की बात की जा रही है। ये जो प्रावधान है ये NTC के माध्यम से लाया जा रहा है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के माध्यम से लाया जा रहा है। हालांकि जो ये पुराने वाहन हैं इनको पुनः से उपयोग या फिर इनका कहीं दूसरी जगह उपयोग जो है इसके लिए एक अनुप्रति प्रमाण पत्र को भी लाया जाएगा जो कि NOC के नाम से जाना जाता है, इसे भी यहाँ पे लाने की बात की जा रही है, ठीक है। अभी अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक विकास वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन हो जाए आपका 9.7%, 10.4%, 2.4%, 6.4%।
आपका उत्तर हो जाएगा 9.7%। ये एशियाई विकास बैंक, आप समझ सकते हैं एडीबी, ये क्या है, तो ये एक एशिया में जितने भी कंट्री हैं उनके लिए ये काम करता है। सभी कंट्री कुछ ना कुछ इसे डोनेट करते रहते हैं हमेशा हर साल, और ये उनके जितने भी विकास होता है उनके ऊपर ये काम करता है। और हालांकि जो एशिया विकास बैंक है एडीबी, उसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दूसरी बार भारत के लिए ये आर्थिक वृद्धि दर को बदला हुआ है। इससे पहले इसने 10% की बात की थी कि भारत की में 10% रहेगी आर्थिक विकास दर, और यहीं पे अभी इसने 9.7% बताई हुई है। बाकी आप देख सकते हैं कि एडीबी बैंक के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एशियाई विकास बैंक के बारे में आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो का ये आखिरी इवेंट था और आखिरी प्रश्न था। आशा करूँगा आपकी चीज़ को समझ में आई होंगी, और डीप एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस जितने भी वीडियोज हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको चीजें सभी क्लियर हो जाएंगी। वहां पर मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। यदि मैं इस वीडियो में सभी चीजें डिटेल्स के साथ में बताता तो वीडियो कई घंटे की बन सकती थी, तो इसको ध्यान रखते हुए आपको भी समय व्यर्थ ना हो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है। और बाकी यहाँ के जितने भी आपको ये पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे, जब से आप हमारे वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद में आप इस पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वीकली करंट अफेयर इन हिंदी फ्री पीडीएफ डाउनलोड क्लिक हियर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चीज़ें समझ में आई हैं, चीज़ें आपको इवेंट्स पसंद आए हैं, तो आप इसे सुनिश्चित तौर पर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी जान सके कि इतनी सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। आपको सभी चीज़ें आप फ़ोन पे ही अवेलेबल हैं, आप अपने घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।